जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं नाज और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश दिल्ली प्रवेश में। दिल्ली की धरती पर राज संत पुलक सागर महाराज के चरण पड़ते ही इतिहास के पन्नों में ऐसी इबारत लिखी गई जिसे आने वाले समय में प्रत्येक दिल्लीवासी याद रखेगा। मुनि श्री की इतनी भव्य अगवानी की गई जिसे देख प्रत्येक दिल्लीवासी गदगद हो उठा। मुनि श्री की ये अगवानी कई अर्थों में विशेष थी। ये महज एक संत की अगवानी नहीं थी, ये भगवान महावीर के श्रमण परंपरा का मान था। ये आगम में बताए गए पिछी कमंडल का बहुमान था। हर्ष उल्लास के अतिरेक से भरी इस अगवानी में दिल्ली वासियों के साथ आप भी शामिल हो जाएं और देखते रहें हमारी खास पेशकश दिल्ली प्रवेश। हृदय पुंज संयम करुणा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के चरण कमल के पड़ते ही दिल्ली वासियों का वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया। जी हां, 12 वर्ष बाद दिल्ली की धरती राष्ट्र संत मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों से पावन हो गई और कवि हृदय मुनि श्री की अगवानी में दिल्ली वासियों ने समर्पण की ऐसी इबारत लिखी कि ये नज़ारा लाखों दिलों में बस गया। बारह वर्ष पूर्व जब राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने दिल्ली से विहार किया था, तब श्रद्धालु भक्तों के हृदय वात्सल्य भाव से भर उठे थे। इसके बाद से ही श्रद्धालु मुनिश्री को पुनः दिल्ली में लाने के प्रयास में जुट गए थे। लंबे इंतजार के बाद वो पावन घड़ी आई और राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज का दिल्ली में 12 वर्ष बाद प्रवेश होना तय हुआ। इस ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी 18 मार्च 2012। अपने हृदय पुंज मुनिश्री की अगवानी के लिए श्रद्धालु भक्त सड़कों पर जमा हो गए थे। हर किसी को मुनिश्री के आगमन का इंतजार था। सभी के हृदय मुनिश्री की आगवानी के लिए धड़क रहे थे। भक्तों की व्याकुलता बेचैनी को भक्त ही समझ रहे थे। वह जानते थे कि आज उनको उस मुनि के दर्शन होने वाले हैं जिनका उन्होंने लंबे समय से इंतजार किया है। और जब मुनिश्री का आगमन हुआ तो श्रद्धालु भक्तों में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ मच गई। कोई आरती उतारने लगा तो कोई जयकारे लगाने लगा। इसके साथ ही आकाश में उड़ते हेलीकॉप्टर से होती पुष्प वर्षा अद्भुत दृश्य का सृजन था।
आज महाराज जी का 12 साल के बाद दिल्ली आगमन हुआ है। दिल्ली वालों का उत्साह आप खुद ही देख रहे होंगे कि लोगों में कितना उत्साह और खुशी का प्रचार है। जयपुर से लेके और आज दिल्ली तक महाराज जी के प्रति पीछे सब लोग लगे रहे और दिल्ली उनको लाके ही माने। मुनिश्री की आगवानी में यदि कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ भक्तों का हर्ष और उल्लास। मुनिश्री की आगवानी का ये दृश्य किसी उत्सव के जैसा नजर आने लगा था। जुलूस के रूप में आए मुनिश्री के काफिले का दूर दूर तक छोर नजर नहीं आ रहा था, तो सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बैंड बाजे, झांकियां, भक्तों की टोलियां इस मुनिश्री के आगमन पर उमड़े उत्साह को प्रकट करने के लिए पर्याप्त थी। भक्तों में समर्पण के भाव होते भी तो क्यों नहीं। आखिर दिगंबर मुनि के तप और त्याग के प्रति तो देव भी समर्पित होते हैं, फिर भक्त तो कैसे पीछे रहते। पंच परमेष्ठियों में से एक साधु परमेष्ठी मुनि श्री पुलक सागर जी के आगमन पर जो अनुपम दृश्य था वह अप्रतिम होने के साथ साथ श्रद्धा का साकार स्वरूप भी था। सूर्य की प्रथम किरण के साथ बालाश्रम से यमुना पार जाने वाले मार्ग पर जैसे ही राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज का दिल्ली में प्रवेश हुआ, कैलाश नगर के श्रद्धालु उनकी आगवानी के लिए पहुंच गए। उन्होंने मुनिश्री के समक्ष अपनी श्रद्धा भक्ति का वो अनुपम रूप प्रकट किया जिससे मुनिश्री का मंगल प्रवेश सुमंगल हो गया। पूरा क्षेत्र गुरुदेव के जयकारों से गूंज उठा। भक्त मुनिश्री के समक्ष झूमने लगे, उनकी आरती उतारने लगे तो उनके चरणों की धूल चरण स्पर्श करने की होड़ सी मच गई। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, भक्तों की भावना को पल भर में ही समझ गए और पहुंच गए उस मंच पर जहां से सभी भक्त उनके दर्शन कर सकें। और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठ गया उनका हाथ। साधु परमोष्ठी का आशीर्वाद भक्तों को कृतज्ञ कर गया। भक्तों को आशीर्वाद देकर मुनिश्री का जुलूस बढ़ गया अपने गंतव्य की ओर। बैंड बाजों के काफिले में भक्त मधुर संगीत पर थिरक रहे थे। भक्तों का समर्पण तो स्पष्ट झलक ही रहा था। जुलूस की भव्यता को जुलूस में कर्नाटक से आए मुखौटा लगाए कलाकार दक्षिण भारत की संस्कृति का दिग्दर्शन करा रहे थे। किसी मुनि का सानिध्य भक्तों के जीवन दर्शन को बदलने का मात्रा रखता है। ऐसे में मुनि श्री पुलक सागर जी की निकटता का भान होने मात्र से भक्तों के हृदय पुलकित ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और जब मुनि श्री का प्रवेश हुआ तो क्या हुआ, जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली प्रवेश एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश दिल्ली प्रवेश में। राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर महाराज के दिल्ली प्रवेश में कैलाश नगर के बाशिंदों ने जिस तरह उनकी आगवानी की वातों खास थी ही, लेकिन दिल्ली प्रवेश के जुलूस में जिस तरह भक्तों का सैलाब उमड़ा, वह भी अपने आप में अनूठा और अनोखा था। मुनि श्री के चरण कमलों से पावन इस धरती पर क्या हुआ, उस पर एक नजर। मुनि श्री पुलक सागर जी के समक्ष कैलाश नगर के बाशिंदों ने तो अपनी भक्ति को प्रकट किया ही, लेकिन कृष्णा नगर के बाशिंदों ने भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने मुनि श्री के जुलूस की भव्य अगवानी की ओर जुलूस में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों के हृदय पुंज मुनि श्री का मंगल प्रवेश इतना भव्य और हर्षोल्लास से भरपूर होगा, इसकी परिकल्पना तो शायद दिल्ली वासियों को भी नहीं थी। इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी दिल्ली वासियों के साथ साथ देश भर के कई शहरों के बाशिंदे बने। दिल्ली वासियों के हृदय किस कदर पुलकित थे, इसका एहसास तो जुलूस में भक्तों के समर्पण भाव को देखकर मात्र से ही हो रहा था। इस ऐतिहासिक मंगल प्रवेश के दौरान उनके चेहरे पर थिरकती मुस्कान भक्तों के हृदय को छूने वाली थी, तो उनकी निर्विकार अवस्था के पावन दर्शन से भक्त भी पावन हो गए। मंगल प्रवेश के जुलूस के साथ मुनिश्री के आगे बढ़ते कदम संयम पंथ के राही के कदम थे, जो भक्तों की खुशी को देखकर भी निर्लिप्त भाव के साथ अजान नगर की तरफ बढ़े। यहाँ भी उनका इंतजार करते भक्त उनको देखकर झूम उठे, तो शांति मोहल्ले से निकलने पर भक्त उनको देखते ही आरती करने और जयकारे लगाते हुए अपने भावों को प्रकट करने लगे। मुनिश्री संयम धारण करते हुए बिहारी कॉलोनी की ओर बढ़ने लगे। मुनिश्री के कदमों के बढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं का अतिरेक और समर्पण भी उनके प्रति बढ़ता जा रहा था। राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर महाराज के दिल्ली स्थित बिहारी कॉलोनी पहुंचते ही जयकारों का जयघोष गूंजने लगा। ये उद्घोष था इस बात का कि जिनका इंतजार था वह आ गए हैं। मुनि श्री के यहाँ पहुंचते ही हेलीकॉप्टरों द्वारा ऐसे पुष्प वर्षा की गई मानो कि मुनि श्री की आगवानी के लिए स्वयं इंद्र इंद्राणी आ गए हैं। इस मौके पर दिल्ली सरकार की तरफ से मुनि श्री को विश्व संत की उपाधि से बहुमान किया गया। राष्ट्र संत मुनि पुलक सागर के बिहारी कॉलोनी पहुंचते ही जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यहाँ मुनिश्री की आगवानी करने के लिए पहले से ही जैन समाज के लोग मौजूद थे। इन लोगों में देश के विभिन्न भागों में रहने वाले श्रद्धालु भी थे। जयकारों के बीच मुनिश्री के पावन कदम पंडाल की ओर बढ़ गए। श्रद्धालुओं से घिरे मुनिश्री मंच पर विराजमान हुए। यहाँ मुनिश्री का पावन आशीर्वाद लेने के लिए फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। इन हस्तियों में थे मशहूर अभिनेता आदित्य पंचोली एवं मनोज जोशी। दोनों ही चित्रों के कलाकार चरित्र के कलाकार के प्रति अपने समर्पण को प्रकट करने लगे। इसके बाद अमेरिका से पधारे डॉक्टर सुलेख जैन, आदित्य पंचोली, मनोज जोशी एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध जनों ने दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए विश्व संत के अलंकरण से विभूषित किया। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री की प्रशस्ति को पढ़ा गया, जिसमें मुनिश्री के सम्मान में लिखा गया था, जैन निक्रंत संत युवा तपस्वी मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज जैन जगत के सर्वमान्य आत्म साधक ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।
वे अपने प्रवचनों के माध्यम से सामाजिक जड़ताओं और कुव्यवस्था पर जब प्रहार करते हैं तो समाज व राष्ट्र के सजग प्रहारी की छवि का प्रतिबिंब उनमें दिखाई देता है। मुनिश्री ने अल्पायु में ही दिगंबरत्व को धारण कर अहिंसामय धर्म सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। मुनिश्री ने अपने विचारों एवं प्रवचनों के माध्यम से परिवारों को बिखराव से रोका है एवं अपने गहन गंभीर ज्ञान, हिमगिरी सम उत्तुंग के दर्शन और सधर्माचरण की समस्त मर्यादाओं का पालन कर समग्र भारत देश को गौरवान्वित किया है। गौवध, मांस निर्यात, मदिरापान, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, मिलावट, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या को रोकने हेतु मुनिश्री के बेबाक विचार और झिड़कियां समाज के प्रत्येक वर्ग को उत्थेलित ही नहीं करते वरन निर्णायक निर्णय भी प्रदान करते हैं। जीवन की सच्चाइयों और आध्यात्मिक गहराइयों के अपूर्व चिंतन को लेकर लोक कल्याण के प्रति समर्पित देश के अनेकों प्रांतों में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लाखों लोगों को धर्म का नया स्वरूप मुनिश्री ने प्रदान किया है। आपकी 2 दर्जन पुस्तकों की लाखों प्रतियां लाखों पाठकों को वैचारिक क्रांति की दिशा में मार्गदर्शन कर रही हैं। मुनिश्री का व्यक्तित्व एवं कृतियां संपूर्ण मानवता के लिए मंगलकारी है। भारतीय संत परंपरा की अमूल्य धरोहर पूज्य मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज को गणतंत्र भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्षों बाद पदार्पण पर दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली के समस्त विधायकों एवं प्रबुद्ध जनों की ओर से आपके राष्ट्रीय हित में किए गए मानवीय कार्य हेतु विश्व संत की उपाधि से अलंकृत करते हुए मैं गौरवान्वित हूँ। विश्व संत अलंकरण। जैन निर्ग्रंथ संत युवा तपस्वी मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज जैन जगत के सर्वमान्य आत्म साधक ही नहीं एक समाज सुधारक के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे अपने प्रवचनों के जरिए सामाजिक जड़ताओं और कुव्यवस्थाओं पर जब प्रहार करते हैं तो समाज व राष्ट्र के सजग प्रहरी की छवि व प्रतिबिंब उनमें दिखाई देता है। परम पूज्य मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज जिन्होंने अल्प आयु में ही दिगंबरत्व को धारण कर मुनि दीक्षा ग्रहण की तथा तीर्थंकरों द्वारा प्रणीत अहिंसा में विश्व धर्म के सिद्धांतों का आसेतु हिमालय जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। मुनिश्री ने सशक्ति मानवता के आंसू पोंछने के लिए मंदिर निर्माण से पहले अनाथों के उद्धार के लिए मानवता के मंदिर वात्सल्य धाम का निर्माण किया जिसमें हजारों बेपनाहों को पनाह मिल रही है। मुनिश्री ने अपने विचारों एवं प्रवचनों के माध्यम से हजारों लाखों परिवारों के बिखराव को रोका है एवं अपने गहन गंभीर ज्ञान, हिमगिरी सम उतुंग दर्शन और सधर्माचरण की समस्त मर्यादाओं का पालन कर समग्र भारत देश को गौरवान्वित किया है। गौवध, मांस निर्यात, मदिरापान, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, मिलावट, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुनिश्री के बेबाक विचार और झिड़कियां समाज के प्रत्येक वर्ग को उद्वेलित ही नहीं करते वरन निर्णायक निष्कर्ष भी प्रदान करते हैं। जीवन की सच्चाइयों और आध्यात्मिक गहराइयों के अपूर्व चिंतन को लेकर लोक कल्याण के प्रति समर्पित देश के अनेक प्रांतों में 18,000 किलोमीटर पैदल चलकर लाखों लोगों को धर्म का नया स्वरूप मुनिश्री ने प्रदान किया है। आपकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की लाखों प्रतियां लाखों पाठकों का वैचारिक क्रांति की दिशा में मार्गदर्शन कर रही हैं। मुनिश्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व संपूर्ण मानवता के लिए मंगलकारी है। भारतीय संत परंपरा की अमूल्य धरोहर पूज्य मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज को गणतंत्र भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 वर्षों के बाद पदार्पण पर दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली के समस्त विधायकों एवं प्रबुद्ध जनों की ओर से आपके राष्ट्र हित में किए गए मानवीय कार्य हेतु विश्व संत की उपाधि से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित हूँ। डॉक्टर योगानंद शास्त्री, अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा। योगानंद शास्त्री, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली। इस प्रशस्ति पत्र को पढ़ने मात्र से भक्त हर्षित हो गए और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं, आखिर मुनिश्री का व्यक्तित्व ही ऐसा है।
जिसे किसी देश की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। पुलक सागर जी की करुणा, उनका वात्सल्य, उनकी तपश्चर्या का सानिध्य ऐसा है जिसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। ऐसे संत शिरोमणि को देश की राजधानी दिल्ली में विश्व संत की उपाधि से अलंकृत कर स्वयं को धन्य कर लिया। इस मौके पर मुनिश्री के सानिध्य को अभिनेता आदित्य पंचोली ने सौभाग्य का विषय बताते हुए कुछ इस तरह बयां किया। सबसे पहले मैं मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इतने बड़े संत के साथ, इतने बड़े गुरु के साथ, इतने बड़े मुनि के साथ उसी मंच पर खड़ा हुआ हूँ। मैं बॉम्बे से आया यहाँ पर, जब मुझे ये बताया गया कि पुलक सागर जी महाराज यहाँ होंगे तो मैंने एक मिनट में हाँ कह दी। इनका योगदान जो समाज को है उसका वर्णन करना शब्दों में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसे महान संत है जो निस्वार्थ समाज के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए काम करते हैं। इनके लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ लोग उपस्थित हैं, ये सारे मेरी तरह बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है जिन्होंने इनका दर्शन किया है। आदित्य पंचोली अपनी बात कहकर हटे तो अभिनेता मनोज जोशी कैसे पीछे रह जाते। मनोज जोशी ने मुनिश्री के चरणों में वंदन करते हुए कहा कि मुनिश्री पुलक सागर महाराज के विश्व संत बनने के इस क्षण का साक्षी होने पर उनको ईश्वरीय अनुभूति हुई है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम और जय जिनेंद्र। जोर से बोलिए जय जिनेंद्र। मुझे पता है आपको भूख लगी है। राष्ट्र संत नहीं कहूंगा गुरुदेव, अब विश्व संत कहना ही पड़ेगा। और सर्वप्रथम मैं मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और इस क्षण का मैं साक्षी रहा हूँ। इससे एक ईश्वरीय अनुभूति हुई है क्योंकि राष्ट्र संत के वक्त भी मुनिश्री मैं मौजूद था, ये मेरा सद्भाग्य था। और आज आपको विश्व संत से इस उपाधि से सम्मानित किया गया है, उस समय भी आज मैं उपस्थित हूँ। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और ऐसी ही आपकी कृपा और आपके वाणी के बाण और आपके वाणी से ये सर्व समाज सुव्यवस्थित हो और होगा ही, ऐसी आशा प्रकट करके आपके चरणों में पुनः एक बार कोटि कोटि वंदन करके मैं मेरे दोष अपने समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। अभिनेता मनोज जोशी ने जब अपने भाव व्यक्त किए तो अब भक्तों को इंतजार था मुनिश्री पुलक सागर जी के ओजस्वी वाणी का, जिसके लिए वह हो रहे थे बेचैन। विश्व संत मुनि पुलक सागर जी ने जब बोलना शुरू किया तो भक्त थम गए। मुनि श्री पुलक सागर अब विश्व संत कहलाने लगे हैं तो उनकी वाणी में भी विश्व संत का ओज समाने लगा है। विश्व संत के इस स्वरूप के दर्शन करेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहारी कॉलोनी में विश्व संत पुलक सागर जी महाराज को मंगलवाणी के माध्यम से भक्तों ने एक नए पुलक सागर को देखा, जिनमें अध्यात्म की गहराइयां नजर आईं तो जीवन का दर्शन भी दिखा। उनकी मुखर हुई वाणी में एक नया ओस था।
तो उन्होंने एक नया दर्शन भी दिया। सुनते हैं उनके ही श्री मुख से। ध्यान रखो दिल्ली वालों, आना मेरी ड्यूटी थी, मैंने आज पूरी कर दी। अब रोकना तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम्हारे हाथ। और मैं चातुर्मास कहीं करता नहीं हूं, लोग चातुर्मास करा लेते हैं। आपकी भक्ति होगी, जैसे यमुना ब्रिज से अंदर आया तो पहले ही आते ही साथ पहला स्थान पड़ा कैलाश नगर, और इतना स्वागत, इतनी भक्ति और श्रद्धा वहां के लोगों ने रखी। मैं सोच सकता हूं कि यह शुभ संकेत है, किसी भी शहर में प्रवेश करो और कैलाश मिल जाए तो कैलाश नगर वालों ऐसा काम करो कि कैलाश पर्वत से ऋषभ देव ही नहीं, मैं भी भावना रखता हूं कि मेरी भी मुक्ति वहीं से होना चाहिए। वहां से बड़े क्रम नहीं मालूम मुझे, कृष्णा नगर की बंसी सुनाई थी, वहां से बड़े आजाद नगर, शांति मोहल्ला में तो शांति शांति, रघुवरपुरा, शंकर नगर, सभी समाजों ने जो स्वागत किया है, मैं कहूंगा कि मेरा स्वागत नहीं किया है और मैं स्वागत के योग्य हूं भी नहीं। हकीकत में तुमने जो स्वागत किया है तो ऋषभ देव के इस देश का किया है, महावीर के चरित्र का किया है। क्योंकि लोग यदि शीश झुकाते हैं तो किसी पुलक सागर को नहीं झुकाते, लोग शीश झुकाते हैं तो पिछली कमंडल को शीश झुकाया करते हैं, त्याग को शीश झुकाते हैं, चरित्र को शीश झुकाते हैं, तपश्चरण को शीश झुकाते हैं, और भगवान महावीर द्वारा सौंपी गई उस पावन पवित्र श्रवण संस्कृति को लोग अपना शीश झुकाया करते हैं। और वैसा ही परिचय दिल्ली वालों ने दिया है। मैं दिल्ली आया हूं, मैं एक चीज कह सकता हूं कि दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली में वही रह सकता है जिसके पास दिल हुआ करता है, और जिसके पास दिल नहीं है उसे दिल्ली से दूर ही रहना चाहिए, दिल्ली में आने की कोई जरूरत नहीं। दिल हो तो आना। और आज जितने भी बाहर से आए हैं, चाहे सूरत से आए हो, चाहे बंबई से आए हो, इंदौर से आए हो, उदयपुर से आए हो, जहां जहां से लोग आए हैं, मैं कह सकता हूं कि वही लोग आए हैं जिनके पास दिल हुआ करता है। आज यहां पर फिल्म जगत की हस्तियां भी आई हैं, उनमें और मुझमें अंतर कुछ नहीं है, ये पर्दे की जिंदगी जीते हैं, मैं बेपर्दे की जिंदगी जीता हूं। दिल्ली आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ये मत सोचना कि 12 साल में बहुत बड़ी हस्ती बन करके आ गया, कुछ नहीं है मेरे पास। टूट इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और मेरे पास कुछ नहीं है दिल्ली वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं, बस कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। कल से यहां प्रवचन माला चलेगी, और अभी ये जो रखा गया यहां पे विश्व संत और ये संत दिगंबर संत को किसी उपाधि की जरूरत नहीं हुआ करती है, वह उपाधि को आदि व्याधि समझता है, उपाधियों को छोड़कर हम तो समाधि में जीने वाले संत हुआ करते हैं, उपाधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कहा विश्व संत, अरे विश्व संत कहो या ना कहो, ना कहो तो ज्यादा अच्छा है, पर मैं ये कह सकता हूं कि विश्व संत उतना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जो संत होता है वो पूरे विश्व का हुआ करता है, वह किसी दायरे से बंधा नहीं हुआ करता है, पूरा विश्व उसका होता है, इसलिए उसका होता है क्योंकि वह पूरे विश्व के हित का चिंतन करता है। लोग कहते हैं कि हमारा अमेरिका खुश रहे, लोग कहते हैं हमारा हिंदुस्तान खुश रहे, लोग कहते हैं हमारा पाकिस्तान आबाद हो, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं पूरा विश्व खुश रहना चाहिए, पूरे विश्व में आनंद होना चाहिए। मुनि श्री के प्रवचनों के रस से आनंदित भक्तों के लिए मंगल प्रवेश वाले दिन की शाम भी आनंद की लहरें लेकर आई। संध्या भक्ति में कलाकारों ने भजनों को कुछ ऐसे पेश किया कि भक्त उनमें खो गए, तो छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभु की भक्ति की।
श्रावक इसको जपके मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जपके मुनि संत हो गए, और संतों में जपा तो अरिहंत हो गए, संतों में जपा तो अरिहंत हो गए, हम श्रावक इसको जपके मुनि संत हो गए, और संतों में जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए, कुछ अच्छे से भजन अच्छे से गीत गुरुदेव के चरणों में अर्पित करूं। और वैशाली कैसेट से हमारे प्रमोद जी जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, हमेशा मेरे हर आयोजन में मेरे हर कार्यक्रम में उनका बड़ा सहयोग होता है, तो इन दोनों ने मिलकर ये श्रृंखला गुरुदेव के बहुत मीठे भजनों की पूरे गुरु भक्तों के लिए पहुँचाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूँ अंकित जी, प्रमोद जी, और आपसे जरूर कहता हूँ कि गुरुदेव के ये भजन आपके घर जरूर जाने चाहिए। दिल्ली प्रवेश के साथ ही मुनि पुलक सागर को विश्व रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। भक्तों की श्रद्धा भक्ति के इस अनूठे आयोजन को देखकर निश्चित ही भक्तों के भावों में भी परिवर्तन हुआ होगा। ऐसा परिवर्तन मानव मात्र के जीवन में होता रहे, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ ही अब हम लेते हैं आपसे विदा। जय जगदीश।